नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद एमडी। सिलेक्शन वाली बुक डे 23 लेकर हाजिर हूँ मैं आज आप सबके सामने। तो दोस्तों, सीखने सिखाने के सिलसिले को बढ़ाते हैं आगे की तरफ। और आज का हमारा जो स्पेलिंग टेस्ट है, वो स्पेलिंग टेस्ट जानते हैं। आज का स्पेलिंग टेस्ट हमारा रख रखाव, इंग्लिश में कहा जाता है मेंटेनेंस। क्या कहा जाता है? मेंटेनेंस। तो दोस्त मेरे, स्पेलिंग बताएगा कोई मेंटेनेंस की, क्या हो जाएगा? एम ए आई एन, मैन टेन और एंस। तो मेंटेनेंस की स्पेलिंग क्या हो जाएगी? M A I N T E N A N C E, maintenance। उम्मीद करता हूँ आज का स्पेलिंग टेस्ट सारे ही दोस्तों को याद हुआ होगा। चलो इसी सिलसिले को बढ़ाते हैं आगे की तरफ। डेली के 10 वर्ड हम पढ़ रहे हैं, किसके? वोकैब के। आज का हमारा पहला वर्ड लिखा है टिनासियस। क्या लिखा है? टिनासियस को याद रखिए, टीना नाम की जो लड़कियां होती है वो कैसी होती है? स्टबर्न, जिद्दी होती है। कैसी होती है? स्टबर्न, जिद्दी होती है। अगला है मिटिगेट। क्या है? आजकल मिट्टी से बने गेट धीरे धीरे क्या होते जा रहे हैं? कम होते जा रहे हैं। मिटिगेट क्या हो जाएगा? टू लेसन, कम करना। क्या हो जाएगा? टू लेसन, कम करना। अगला इंजरीज। क्या है इंजरीज को याद रखेंगे? किससे? इंजरी। इंजरी होता है चोट, और किसी भी खिलाड़ी के कोई चोट आ जाए तो वो उसके लिए कैसी होती है? हार्मफुल होती है, नुकसानदायक होती है। नेक्स्ट वर्ड लिखा है एंटिडिट। क्या लिखा है? एंटिडिट में दिख रहा है टिडिट, टी आर ई ए टी। टिडिट होता है पार्टी। क्या होता है? कोई दोस्तों से टिडिट पार्टी लेने के लिए उनसे क्या करनी पड़ती है? रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, अनुरोध करना पड़ता है। मैं दोस्त एंटिडिट क्या हो जाएगा? रिक्वेस्ट हो जाएगा। अगला है एलेक्सिस। क्या है? लिक्स को याद रखेंगे विक्स। किससे? सर्दी, सर्दे, जुकाम, सताए। तो विक्स किसका काम करती है? रामबाण औषधि का। तो एलेक्सिस का सिनोनम क्या हो जाएगा? क्यूर ऑल, रामबाण औषधि। अगला एसिड। क्या है? एसिड को याद रखे, कोई व्यक्ति ऐसे ही मान जाए मतलब वो आसानी से क्या हो गया? एग्री हो गया, सहमत हो गया। अगला माउंट को याद रखेंगे किससे? माउंट एवरेस्ट पे लोग क्या कहते हैं? चढ़ाई कहते हैं। तो माउंट क्या हो जाएगा? एसेंट, चढ़ाई करना। अगला है पटरी। क्या है? इंडिया में जो रेल की पटरियां हैं वो कैसी है? फोल, गंदी या मैली है। अगला है वांटन। क्या है? वांटन को याद रखेंगे किसे? वांटेड मूवी का जो पुलिस वाला है। क्या? वांटेड मूवी का जो पुलिस वाला है था वो कैसा था? डिसोल्यूट था, चरित्रहीन था। अगला है एब्सटेन। क्या है? एक बच्चा ट्रेन के नीचे आने से बाल बाल बच गया। ट्रेन को याद रखेंगे ट्रेन से। तब लोगों ने उस कहा कि अब से ध्यान रखना, ट्रेन से क्या करना? दूर रहना। तो एब्सटेन क्या हो जाएगा? रेस्ट्रेन हो जाएगा। मैं दोस्त उम्मीद करता हूँ आज की मुख्य सारे दोस्तों को याद हुई होगी। चलो इसी सिलसिले को बढ़ाते हैं आगे की तरफ। वो डेली के 5 वर्ड हम पढ़ रहे हैं, किसके? इडियोमेटिक एक्सप्रेशन। आज का हमारा पहला इडियोमेटिक एक्सप्रेशन क्या है? वाद टू द नाइफ। क्या? वाद टू द नाइफ, आप युद्ध लड़ने जाओ मेरे दोस्त। वो तलवार की जगह क्या ले जाओ? चाकू ले जाओ। क्या ले जाओ? चाकू ले जाओ। सामने वाला तलवार से लड़ रहा है और आप चाकू से परेशान हो रहे, मतलब आपको बहुत ज्यादा क्या करना पड़ेगा मेरे दोस्त? स्ट्रगल करना पड़ेगा वहां। वार टू द नाइफ क्या हो जाएगा? टू मच स्ट्रगल, कठिन संघर्ष करना। अगला है पे ऑन नेल। क्या है? पे ऑन नेल, नेल होता है नाखून। लड़कियां अपने नाखूनों पे लगाने के लिए क्या? नेल पेंट लगाने के लिए उस पे पैसे जल्दी से क्या कर देती है? खर्च कर देती है। तो पे ऑन नेल क्या हो जाएगा? इमीडिएट पेमेंट, तुरंत भुगतान। अगला इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है टू लाफ इन वंस
लाफ होता है हंसना, वन स्लीव मतलब अपनी बाजू, हंसते ना कई बार हम बाजू में मुंह छिपाकर, तो टू लाफ इन वन स्लीव क्या हो जाएगा, टू लाफ सीक्रेटली मुंह छिपाकर हंसना। अगला है टू लुक हाई एंड लो, लुक मतलब देखना, हाई मतलब ऊपर, लो मतलब नीचे। जब भी आपकी कोई चीज खो जाती है तो आप उसे ढूंढने के लिए ऊपर और नीचे सारी जगह देखते हैं, मतलब हर संभव प्रयास करते हैं। तो क्या हो जाएगा, टू सर्च एवरीवेयर, हर संभव प्रयास करना, हर जगह ढूंढना। आखिरी इडियोमेटिक एक्सप्रेशन क्या है आज का, बैक सीट ड्राइविंग। क्या है बैक सीट ड्राइविंग, ऐसा दोस्तों अक्सर आपके साथ हुआ होगा है ना, कि आप गाड़ी को ड्राइव कर रहे हो या बाइक को राइड कर रहे हो, अपनी फैमिली में या रिलेशन में अपने से कोई भी बड़ा होता है वो जब पीछे बैठा होता है तब देखा होगा, हालांकि जो पीछे बैठा है उससे होना कुछ नहीं है पर वो ज्यादा ज्ञान दे रहा होता है कि हाँ यहाँ ब्रेक लगा, थोड़ा साइड में ले, इधर इंडिकेटर है ना, जो पीछे बैठा हालांकि उससे होना कुछ नहीं बस फोगट की वो क्या कहता है, सलाह देने का काम। तो बैक सीट ड्राइविंग क्या हो जाएगा, ऑफरिंग एडवाइस विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिना जिम्मेदारी के सलाह दे। उम्मीद करता हूं आज के 5 इडियोमेटिक एक्सप्रेशन सारे दोस्तों को याद हुए होंगे। चलो बढ़ाते हैं इसी सिलसिले को आगे, इसी सीरीज में डेली के हम 5 याद करते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। आज का हमारा पहला वन वर्ड है क्या, सी एच आर ई, चोर। याद करो इसे हमने कन्फ्यूजेबल पैर में भी पढ़ा है क्या, कि चोर का कामकाज क्या होता है, चोरी करना, क्या होता है चोरी करना। तो ऐसा कामकाज से आपको करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है लेकिन आपको क्या करना पड़े, मजबूरी पूर्वक करना पड़े, ऐसा काम कौन सा काम, बाउ काम। कैसा काम, जैसे कई सारे दोस्त पढ़ाई करने वाला काम कोई इंटरेस्ट नहीं है, कभी आएंगे यूट्यूब पे, हाँ एमडी सर की क्लास देखी, 2 मिनट चलाएंगे चले जाएंगे, क्योंकि काम कैसा, पढ़ाई वाला, उबाऊ काम लगता है उनको, क्योंकि सिलेक्शन के लिए मेहनत चाहिए होती है मेरे दोस्त, रेगुलर प्रैक्टिस चाहिए होती है, और वो रेगुलर प्रैक्टिस तभी बन पाएगी जब आप एमडी सर से रेगुलर बने रहेंगे। तो दोस्त मेरे क्या हो जाएगा, चोर, ए जॉब और पीस ऑफ वर्क विच इज ऑफन बोरिंग और अनप्लीजेंट बट नीड्स टू डन रेगुलरली, ऐसा काम काज जिसे आपको करने में कोई इंटरेस्ट नहीं हो लेकिन फिर भी आपको वो नियमित रूप से करना पड़े, ऐसा काम कौन सा, उबाऊ काम। नेक्स्ट है डोडी, को याद रखे दादी से, किसे, कोई हसीना जो है जब दादी की एज में पहुंच जाती है, बूढ़ी हो जाती है, तो वो कैसी हो जाती है, फूहड़। इसे ही हम बेस्वाद या बेमजा भी कर, तो क्या हो जाएगा, हैविंग ए डल और अनइंटरेस्टिंग अपीयरेंस, बेमजा या बेस्वाद। अगला है शैम्बल, क्या है शैम्बल, को याद रखे कि शैम्बल क्या होता है, टू वॉक इन एन एक्वर्ड, पैर एक्वर्ड होता है बद्धे तरीके से, बुरे तरीके से, पैर को घसीट कर चलना क्या कहलाता है, शैम्बल चल, क्या कहलाता है, शैम्बल का। अगला नेद, नेद को याद रखेंगे नारद जी से, सारे लोग जानते ही हो नारद जी, क्या काम था उनका, इधर की उधर करने में और उधर की इधर करने में, मतलब वो अपने क्षेत्र के क्या थे, अपनी फील्ड में स्पेशलिस्ट थे इधर की उधर करने में। तो नेद क्या हो जाएगा, ए सिंगल माइंडेड एक्सपर्ट इन ए पर्टिकुलर टेक्निकल फील्ड, किसी भी खास क्षेत्र का विशेषज्ञ क्या कहलाता है, नेद कला। अगला है केट फाइट, क्या है केट होता है बिल्ली और फाइट होता है लड़ाई, बिल्लियों की तरह कौन लड़ती है, औरतें लड़ती है, कौन लड़ती है,
ओए ते लड़ती, तो कैट फाइट क्या हो जाएगा, फाइट्स बिटवीन औरतों की लड़ाई क्या कहलाती है, कैट फाइट कहलाती, क्या कहलाती है। इसी सीरीज में डेली की हम पांच याद कर रहे हैं प्रोवर्ब, क्या याद कर रहे हैं। आज की पहली प्रोवर्ब क्या है, मच क्राई लिटिल वुल, क्या मच क्राई लिटिल वुल, मतलब ऊंची दुकान का पक्का। बहुत बार सुना होगा आपने हिंदी में इस कहावत को, तो दोस्त मेरे इसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है, मच क्राई लिटिल वुल, ऊंची दुकान तीखे पकवान। अगला क्या है, गुडनेस नेवर गोज अनरिवार्डेड, क्या गुडनेस नेवर गुड नेवर गोज अनरिवार्डेड, मतलब कर भला हो भला, आपने यदि किसी का भला किया है तो मेरे दोस्त भले ही वक्त लग सकता है, भगवान आपके अच्छे कदमों के बदले आपको कुछ अच्छा जरूर दे, आपके साथ भी जरूर अच्छा ही होने वाला। इसीलिए एक भलाई का काम आज सारे दोस्त अभी करेंगे, जस्ट इस वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ ना भूलें, और ये भी ध्यान रख लेना नेकी कर दरिया में डाल, है ना। शेयर करके भूल जाना है कि हमने वीडियो को क्या किया है, शेयर किया है। कल पता करके आओगे सारे दोस्त, नेकी कर दरिया में डाल, इसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है। अगला है, अन इजी लाइज द हेड दैट वियर्स द क्राउन, क्या है, अन इजी लाइज द हेड दैट वियर्स द क्राउन, मतलब कोठी वाला तो क्या करे धोए, और छप्पर वाला क्या करे मजे से सोए। जिसके पास बहुत सारी धन दौलत इतनी कि हाँ उसे कुछ पता अता ही नहीं, तो उनको कैसे मैनेज करे, क्या करे क्या ना करे, उसके वही टेंशन रहती। और जिसके पास सब कुछ लिमिटेड, जितना चाहिए उतना सब कुछ है, वो आराम से छपरे में अपने माचा लगा के पाँव पे पाँव धर के बढ़िया क्या कहता है सोता, क्या हो जाएगा, कोठी वाला तो रोए और छप्पर वाला सोए। अगला क्या है, इग्नोरेंट मैन, क्या है, इग्नोरेंट मैन कीपिंग ए ग्रेट, इग्नोरेंट मैन कीपिंग ए ग्रेट फस, मतलब पढ़े न लिखे नाम विद्यासागर, क्या जो न तो कुछ पढ़ता हो न ही लिखता हो, और नाम उसका क्या है, विद्यासागर। अगला, फेमेलिडिटी डिड्स कंटेम्प्ट, क्या फेमेलिडिटी डिड्स कंटेम्प्ट, क्या हो जाएगा, कद खो देता है रोज का आना जाना, है ना। इसीलिए आप रोज नहीं आ रहे, है ना, एमडी सर की क्लास में लाइव। तो दोस्त मेरे यहाँ कद खोने की बात नहीं है, ये हम सिलेक्शन के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो यहाँ तो हमें रोज आना जाना, ये नहीं कि सर आज आपने सिखाया है, क्या सिखाया है कि फेमिलिटी ब्रिड्स कंटेंट की रोज का आना जाना कहीं क्या कर देता है, कद खो देता है, इसलिए हम रेगुलर नहीं आ रहे। ऐसा नहीं करना है दोस्त मेरे, ध्यान रख लेना। हाँ कहीं ऐसी जगह जहाँ आपको लगता है कि रोज आने जाने से हमारी कद कम हो सकती है, तो वहां आपको रोज नहीं आना जाना है। उम्मीद करता हूँ आज की प्रोवर्ब सारे दोस्तों को याद हुई होगी, इसी सिलसिले को बढ़ाते हैं हम आगे की तरफ। और डेली की हम क्या पढ़ रहे हैं, किसी भी वर्ब से रिलेटेड जो भी फ्रेजल वर्ब बनती है उनको देख रहे हैं। तो दोस्त मेरे आज हमने एक वर्ब रखी है पास, क्या रखी है, पास वर्ब से रिलेटेड जितनी भी फ्रेजल वर्ब है वो मैंने आपके सामने ला के रखने की कोशिश की है। पास अवे, क्या पास अवे को सीधे याद रख लेना, क्या मतलब होता है, टू डाई मर जाना, क्या हो जाएगा, पास अवे क्या हो जाएगा, टू डाई मर जाना। अगला है पास ऑफ, क्या है, पास ऑफ का मतलब क्या हो जाएगा, टू वैनिश,
दोस्त मतलब एक डिटर्जेंट भी आता है वैनिश करके, कपड़ों के लिए, इसलिए नाम रखा गया उसका वैनिश, वो कपड़ों पे लगे दाग को क्या कर देता है, गायब कर देता है। तो वैनिश क्या हो जाएगा, किसी भी चीज को गायब कर देना। गायब लिखते कैसे हिंदी, वो देख लेना सही है कि गलत है। वैनिश क्या हो जाएगा, किसी भी चीज को क्या कर देना, गायब कर देना। समाप्त भी लिख सकते, क्या कह सकते हो इसे, समाप्त करना किसी भी चीज क्या कहलाता है, पास ऑफ कहलाता है। और पास बाय क्या हो जाएगा दोस्त, मैं बताओ देखे, टू ओमिट, ओमिट हमने वोकैब में भी पढ़ा है, किसी भी चीज को डिलीट कर देना। टू ओमिट क्या हो जाएगा, किसी भी चीज पर ध्यान न देना या उसे मिटाना क्या कहलाएगा, पास बाई कहलाएगा। तो उम्मीद करता हूं आज की प्रेजल वर्ब सारे दोस्तों को याद हुई होगी। इसी सीरीज में हम डेली की पांच याद कर रहे हैं फिक्स प्रेपोजिशन, क्या याद कर रहे हैं, फिक्स प्रेपोजिशन। आज की फिक्स प्रेपोजिशन पहली क्या है, क्रूल, बहुत बार पूछी गई है। क्रूल के साथ टू का यूज कर, क्रूल टू मतलब निर्दयी, वन शुड नॉट बी क्रूल टू एनिमल्स, किसी को भी निर्दयी नहीं होना चाहिए, किनके प्रति, जिनावरों के प्रति। अगला है चिंग, क्या है, चिंग के साथ हम किसका यूज करेंगे, टू का, चिंग टू। याद रखने का तरीका, वो उसके हमेशा क्या मारवाड़ी में क्या करना, चिट्टेड़ो ही देवे, वही थिंग टू क्या हो जाएगा, से चिपक कर रहना। द चाइल्ड चिंग्स टू इट्स मदर, क्या, द चाइल्ड चिंग्स टू इट्स मदर। एक बात बताओ देखो दोस्त मेरे, चाइल्ड क्या के लिए प्रनाउन यूज किया हमने इट्स, ऐसा कैसे कोई दोस्त बता सकता, ध्यान दे, ऐसा कब यूज करते हैं, व्हेन द जेंडर इज अननोन। जब आपका जेंडर कैसा हो, अननोन हो, जेंडर के बारे में आपको कोई जानकारी। अब ये चाइल्ड जो है वो इंसान का भी हो सकता है, चाइल्ड जिनावर का भी हो सकता है। जैसे एक वर्ड, जैसे बात करें बेबी, बेबी भी इंसान का भी हो सकता है, बेबी जिनावर का भी हो सकता है। और आजकल मार्केट में बड़े वाले भी घूमते हैं ना, जानू बेबी वाले, है ना। तो जेंडर के बारे में हमें कोई जानकारी ना हो, एंड द जेंडर इज अननोन, तो फिर हम जो प्रनाउन यूज करते हैं वो दोस्त मेरे कौन सा यूज करते हैं, इट का यूज करते हैं। और पजेजिव केस इट का क्या हो जाएगा, इट्स हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कहानी समझ में आई होगी। इसी सीरीज में अगली फिक्स प्रेपोजिशन है हमारी क्या, कॉमेंस के साथ हम ऑन का यूज करते हैं, मतलब क्या हो जाएगा, शुरू होना, क्या, शुरू होना। माई फाइनल ईयर एग्जामिनेशन कॉमेंसेस ऑन द 25 मई, मेरे जो फाइनल ईयर के एग्जाम है वो स्टार्ट होने वाले हैं कब से, इस अगला है कॉन्फर, क्या है, कॉन्फर के साथ ऑन का यूज करेंगे, मतलब क्या हो जाएगा, को सम्मान से नवाजना, किसी को किसी भी सम्मान से नवाजना क्या कहलाता है, कॉन्फर कहलाता है। और फिक्स प्रपोजिशन टू का यूज करेंगे, मैनी टाइटल्स वर कॉन्फर्ड हिम फॉर हिज फेम वर्क, कि कई सारे टाइटल्स उसको क्या किया गया, नवाजा गया उसके फेम कार्यों की वजह। अगला और आखिरी क्या है आज का, कंसेंट के साथ हम टू का यूज करें, मतलब क्या हो जाएगा, कि स्वीकृति देना, क्या हो जाएगा, कि स्वीकृति देना। फाइनली आई सी कंसेंटेड टू
टू प्रपोजल। फाइनली आयुष ने स्वीकृति दी किस चीज की, प्रपोजल की। तो उम्मीद करता हूँ आज की फिक्स प्रपोजिशन सारे दोस्तों को याद हुई होगी। इसी सीरीज में डेली के 5 हम याद कर रहे हैं ऑफिशियल ग्लोसरी। क्या याद कर रहे हैं? ऑफिशियल ग्लोसरी। और आज का पहला वर्ड क्या लिखा है? क्या लिखा है? एडल्टरेशन। क्या लिखा है? एडल्टरेशन का मतलब क्या हो जाएगा? अपमिश्रण या मिलावट। क्या हो जाएगा? अपमिश्रण या मिलावट क्या हो जाएगा? अडल्टरेशन। क्या कहलाएगा? अडल्टरेशन। नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा है? फॉल्सिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। क्या? फॉल्सिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। फॉल्सिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट का मीनिंग क्या हो जाएगा? प्रलेख का मिथ्याकरण या दस्तावेज मिथ्याकरण। क्या कहलाएगा? फॉल्सिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट का। पीछे हमने गेजेट पढ़ा था, राजपत्र होता है। आज क्या है? गेजेटेड। क्या है? गेजेटेड क्या हो जाएगा? राजपत्रित। क्या हो जाएगा? राजपत्रित। हॉल्ट, एच ए एल टी। हॉल्ट का मतलब होता है विराम। क्या होता है? विराम। और एंट्रिम क्या है? एंट्रिम का मतलब क्या हो जाएगा? अंतरिम। क्या हो जाएगा? एंट्रिम का मतलब क्या हो जाएगा? अंतरिम। तो उम्मीद करता हूँ आज की ऑफिशियल ग्लोसरी सारे दोस्तों को याद हुई होगी। इसी सीरीज में डेली के हम 2 क्या पढ़ रहे हैं? कन्फ्यूजेबल पैर। क्या पढ़ रहे हैं? कन्फ्यूजेबल पैर। आज का कन्फ्यूजेबल पैर, बचपन में सबने स्टोरी सुनी है, ये स्टोरी तो क्या हो जाएगा? कहानी। और STORY, देखो एक्स्ट्रा एड हुआ है इसमें। क्या? ई एड होते ही इसका मीनिंग बदल गया। और दोस्त कोई बताएगा क्या मीनिंग होता है इसका? स्टोरी का मीनिंग क्या होता है इसका? किसी बिल्डिंग का जो फ्लोर होता है, माला होता है, उसे क्या कहते हैं? स्टोरी, STORY। अगला है साइट, साइट, साइट। बहुत बार पूछा गया है एग्जामिनर का, मान लो ये तो फेवरेट ही हो जैसे। साइट, 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 पहले वाले साइट का मीनिंग क्या होता है बताएगा कोई दोस्त? पहला साइट होता है दृश्य। क्या होता है? दृश्य। पहला साइट क्या होता है? या नजारा भी जिसे कर सकते। पहला साइट क्या होता है? दृश्य या नजारा। दूसरा साइट क्या होता है बताओ? देखे आपने अक्सर सुनी होगी ये बातचीत, किसी भी कोई भी कॉन्ट्रैक्टर है, ठेकेदार है, कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम, मेरी इधर साइड चल रही है, इधर साइड चल रही है, इधर साइड चल रही है। ये साइड क्या होता है? कार्यस्थल। क्या होता है? और CITE, ये साइड होता है बताएगा कोई दोस्त? ये साइड क्या होता है? ये होता है किसी भी चीज का उद्धरण देना। उद्धरण लिखते, कोटेशन देते ना किसी भी। क्या? दे के नीचे दे किसी भी चीज का उद्धरण देना, कोटेशन देना क्या कहलाता है मेरे दोस्त? CITE। इसे ही और क्या कह सकते हो? किसी भी चीज का लेखन क्या कहलाता है? CITE। उम्मीद करता हूँ आज के कन्फ्यूजेबल पैर सारे दोस्तों को याद हुए होंगे। इसी सीरीज में डेली हम क्या पढ़ रहे हैं? प्रीफिक्स और सफिक्स। और आज हम प्रीफिक्स की सीरीज में पढ़ रहे हैं एक प्रीफिक्स कौन सा? दिस, जो भी कैसा मीनिंग देता है? नेगेटिव मीनिंग देता है। और इसको जोड़ने से किसी भी वर्ड का हम क्या बना सकते हैं? अपोजिट वर्ड। जैसे एग्रीएबल क्या हो जाएगा? डिसएग्रीएबल। एग्री, डिसएग्री। कंफर्ट,
डिसकंफर्ट, यूनियन डिसयूनियन, ये पूछा जा सकता है, ध्यान रख लेना, अच्छा है। क्रेडिट डिसक्रेडिट, ये भी प्यारा वर्ड है। ग्रेस डिसग्रेस, ऑनेस्ट डिसऑनेस्ट, आपने ये तो सुना है। सर्विस डिससर्विस, ये ध्यान रख लेना। रिगार्ड डिसरिगार्ड, बाकी तीन चार इजी है, ऐसी बात नहीं, तीन चार ऐसे नए जो आपने पहले नहीं भी पढ़े। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की क्लास से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो सीखने सिखाने के सिलसिले को यही मैं विराम देता हूँ, और अलविदा लेने से पहले एक छोटी सी बातचीत करना चाहूँगा आप सारे दोस्तों आप सारे लोग वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं कर रहे, ना ही जो पुराने दोस्त हैं वीडियो पर लाइक कर रहे हैं। तो जो भी अपने पुराने मेंबर्स हैं वो सारे दोस्त वीडियो को देखने के बाद वीडियो को लाइक करना ना भूलें। वो सारे दोस्त आज अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को क्या करेंगे, शेयर करेंगे। और जो भी कोई नया दोस्त जो पहली बार अपने चैनल पर आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक दोस्त मेरे टाटा बाय बाय, सी यू, लव यू ऑल, जय हिंद जय भारत।